तो बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, जैसे कि आपको पता है हर एक सब्जेक्ट का। तो ये हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है और ज्योग्राफी वगैरह का भी, ठीक है। तो ये है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। इसके मैंने 7 चैप्टर ऑलरेडी बता रखे हैं आपको। ये है 8वां लेसन, ठीक है, जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य, ठीक है। इस लेसन के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। अकबर का जो शासनकाल था उसमें भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, उसको बताना है आपको। तो उत्तर देख लेते हैं हम। पहला है पोलज, ठीक है। पोलज क्या होता था? खेती के लिए महत्वपूर्ण, इसे कभी खाली नहीं रखा जाता था, खोला जाता था। कहने का मतलब यह है, एक तो पोलज भूमि होती थी, ये खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये कभी खाली नहीं रहता था ये भूमि, ठीक है। दूसरा होता था परोती भूमि, इसे कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उपजाऊ हो सके, ठीक है। कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उपजाऊ हो सके, फिर जब उपजाऊ हो जाता था तो इस पर खेती की जाती थी, इस तरह से इस पर खेती की जाती थी। तीसरा था चच्चर, चच्चर ये वो ज़मीन थी जो 3-4 वर्षों तक खाली हो, मतलब छोड़ा जाता था। ये ऐसी ज़मीन थी जिसको 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ा जाता था, फिर उस पर फसल वगैरह उपजाया जाता था, उगाया जाता था, और उसके बाद फिर 3-4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इसके बाद चौथा आता है बंजर, ये वो ज़मीन थी जिस पर 5 वर्षों या उससे अधिक वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, यह खेती के लिए अनुकूल नहीं माना जाता था। ये बंजर भूमि हुआ करती थी जिसे 5 या 5 से अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, और मतलब ये खेती के लिए उतना सही नहीं था, ठीक है, अनुकूल नहीं था। तो ये 4 भागों में बांटा जाता था अकबर के टाइम पे भूमि को, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारतीय ग्रामीण दास्तकारों की दशा का वर्णन करें, ठीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में आपको जो भारतीय ग्रामीण दास्तकार थे उनकी दशा का वर्णन करना है। तो आंसर देख लीजिए। पहला है संख्या, ये पता चलता है कि शायद उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 25% घरों में दास्तकार थे। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है खेती और वस्तु का उत्पादन एक साथ करना, खेती और वस्तु का उत्पादन एक साथ किया करते थे, ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा है, आप देख सकते हैं सेवाओं की अदायगी, ठीक है, सेवाओं की अदायगी, मतलब कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई आदि दास्तकार इनकी सेवाओं बदलने के बदले उनको फसल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कुम्हार, बढ़ाई, नाई आदि ये जो दास्तकार हुआ करते थे, इनकी सेवाओं के बदले उनको फसल या फिर ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाता था, यानी कि सेवाओं की अदायगी, ठीक है। ये आप सब पॉइंट बना सकते हैं, सब हेडिंग। चौथा है आपका, इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हैं भी हुआ करती थी। इसके अलावा रोज का भत्ता और खाने के लिए अन्य दास्तकारों को नगद देना पड़ता था। ये 4 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, और भी आप अपने जितना आपने NCERT में पढ़ा होगा वो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबरों का क्वेश्चन, वो देखते हैं। मुगल कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है। आंसर देखिए, पहला है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करती थी। दूसरा है बुआई, निराई तथा फसलों की कटाई के साथ साथ दाना निकालने का भी काम किया करती थी। बुआई हो गया, निराई हो गया, ठीक है, इस तरह से फसलों के साथ साथ दाना निकालने का भी काम किया करती थी महिलाएं। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि महिलाओं पर जैव वैज्ञानिक पत्रिकाओं
के आधार पर, ठीक है, प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं को हल या कुम्हार के चाक को छूने का अनुमति नहीं था। मतलब जैव वैज्ञानिक पत्रिकाओं के हिसाब से ये कहा गया है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होता था कि चाक वगैरह नहीं छू सकती थी, इस तरह से होता था कुछ, ठीक है, हल या चाक नहीं छू सकती थी। तो ये था पॉइंट चौथा है आंसर का। कुछ महिलाएं दास्तकार के रूप में काम करती थी, कुछ जो महिलाएं थी वो दास्तकार के रूप में काम किया करती थी। पांचवा पॉइंट है, बच्चे पैदा करने की योग्यताओं के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। बच्चे पैदा करने की योग्यता महिलाओं के पास ही थी, आज भी महिलाओं के पास है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे पैदा करने की जो योग्यता के कारण उनको महत्वपूर्ण एक औहदा दिया जाता था, एक पद दिया जाता था, ठीक है, उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता था। छठा है, तलाकशुदा महिला शादीशुदा महिला दोनों के विवाह के लिए नियम होते थे। एक तो तलाकशुदा महिला हो गई, एक तो शादीशुदा महिला हो गई, ठीक है। इस तरह की जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके लिए नियम हुआ करते थे, कुछ रूल्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। सातवां पॉइंट है, घर के पुरुष प्रधान होते थे तथा महिलाओं पर उनका नियंत्रण होता था। घर के जो पुरुष होते थे वो प्रधान होते थे, ठीक है, थोड़े बड़े होते थे और महिलाओं पर उनका नियंत्रण होता था। आज भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बेवफाई के आधार पर महिलाओं को मतलब भयानक दंड दिया जाता था। अगर बेवफाई करती थी महिलाएं उस टाइम पे तो उनको भयानक दंड दिया जाता था, ठीक है। ये कुछ नियम कानून थे। आठवां है, अपने पति से धन छुपा कर नहीं रख सकती थी। महिलाएं जो उस टाइम पर होती थी वो अपने पति से धन छुपा करके नहीं रख सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ आठ पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक दो पॉइंट आप अपने भी जोड़ करके इसमें लिख सकते हैं तो आपको आठ नंबर पूरे मिल जाएंगे। वैसे आठ पॉइंट ये इसी तरह से भी लिख देंगे आप, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको आठ नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुगल कालीन समाज में जमींदारों की भूमिका का वर्णन करें। मुगल कालीन जो समाज था उसमें जो जमींदार थे उनकी भूमिका का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड क्वेश्चन है, आंसर देखिए। पहला है, ग्रामीण समाज में खास हैसियत के कारण जमींदारों को सामाजिक व आर्थिक सुविधा मिलती थी। ग्रामीण समाज में खास हैसियत के कारण, ठीक है, उनको समाज में क्या होता था, एक अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड की जाती थी, आर्थिक सुविधाएं मिलती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जमींदारों के पास उनकी पुश्तैनी जमीन होती थी जिन्हें मिल्कियत कहते थे। कई बार दो नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मिल्कियत किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि जमींदारों के पास जो पहले से जमीन हुआ करती थी उसे मिल्कियत कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, जमींदार अक्सर अपने मजदूरों को दिहाड़ी पर काम पर रखते थे, दिहाड़ी पर आज भी रखे जाते हैं, ठीक है, तथा जमीनों को अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकते थे। जमीन जो होते थे उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकते थे, लैंड वगैरह को, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख देंगे, ये जमींदार गांव से कर वसूलते थे तथा इन्हें कुछ मुआवजा मिलता था। ये जमींदार जो होते थे विलेज से, यानी कि गांव से कर वसूला, टैक्स वसूला करते थे और इनको इसका कुछ प्रतिशत मुआवजे के रूप में मिलता था, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपने सैनिक भी थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले हुआ करते थे, खुद के पर्सनल किले हुआ करते थे और खुद के सैनिक भी हुआ करते थे, सोल्जर्स भी हुआ करते थे। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कई जमींदारों ने किसानों को खेत रहने के लिए व खेती करने के लिए दे देते थे। कई जमींदार जो होते थे वो किसानों को खेत जो दे देते थे, यूं ही कि आप रहिए इस खेत पे या फिर आप खेती कीजिए, ठीक है। कई ऐसे जमींदार भी हुआ करते थे। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कई बार युद्धों को जीतने का श्रेय जो है वो भी जमींदारों को जाता था। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो युद्ध जो जीते जाते थे उनका श्रेय, क्रेडिट जो है वो जमींदारों को दिया जाता था, ठीक है, जमींदारों को जाता था। आठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण समाज पर अपनी सीधा नियंत्रण रखते थे, कि जो ग्रामीण समाज था उस पर ये अपना सीधा नियंत्रण रखते थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर पांचवा है, आईने अकबरी क्या था तथा ये हमें अपने समय का इतिहास कैसे बताता है। आईने अकबरी क्या था और ये अपने समय का इतिहास कैसे बताता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बस ये इतना ही था ये चैप्टर।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आने वाले हमारे चैनल पर नई वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बेशक से मैं आपको एक चैप्टर में से 3 से 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। पिछले जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसमें से बहुत सारे आए हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।